हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट कूलम्स लॉ वगैरह हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल समझ में आ रहा है दो पोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज है। तो क्या when two equal and opposite charge, what equal and opposite charges are separated by very small distance, by very small distance, a very small distance, then this arrangement is called electric dipole. Yeah, when two equal and opposite charge, jab do equal and opposite charge आपने सेपरेट किए हैं बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तब इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कैसे? जैसे ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए बट पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए। और ये जो लाइन ज्वाइन करती है इन दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन। ये जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अच्छा, अब इस जो डाइपोल ये जो है इसको हम क्या लेके चलते हैं? 2L लेके चलते हैं। डाइपोल लेंथ 2L यहां पे क्या है आपकी? डाइपोल लेंथ। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में व्हाई वी आर टेकिंग 2L। अब क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है डाइपोल की वजह से हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जब हम डाइपोल की वजह से फाइंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हमें मिड पॉइंट इसका लेना पड़ेगा कई बार। तो क्या होगा, जैसे ये मान लो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब अगर हमें डिस्टेंस एल लेके चल लेते फिर मिड पॉइंट से कोई चार्ज रखा है, सपोज मिड पॉइंट से कोई चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल बाय टू, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? एल बाय टू। तो जो कैलकुलेशन है वो बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं? 2L लेके चलते हैं। अगर हम 2L लेके चलेंगे ये डिस्टेंस, क्या लेके चलेंगे? 2L, तो ये हाफ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये भी हाफ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी टेक इट 2L। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है आपको दी हुई है डाइपोल लेंथ, तो आप L इज इक्वल टू हाफ मत करना, 2L इज इक्वल टू ही वो लेके चलोगे हर जगह। ठीक है, 2L इज इक्वल टू वो आपकी लेंथ होगी, क्योंकि डाइपोल लेंथ ही हमारी क्या होती है? 2L। ओके, तो पहली चीज, when two equal and opposite charge are separated by very small distance, then this arrangement is called electric dipole. Okay. Line joining these two charges is called axial line, and distance between the two charges is called dipole length, and that is equal to 2L. Dipole length हमारी कितनी होती है? 2L होती है। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है, what is net charge on dipole? चलो, net charge निकाल लो डाइपोल पे। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमेशा याद रखना, नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या है? एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है? माइनस क्यू है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मींस नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज ओके। अब थोड़ा सा हम 10th क्लास का देखते हैं एक चीज। देखो, जैसे 10th क्लास में क्या पढ़ा था,
we have studied this in class 10, that is this is north pole and this is a south pole. So magnetic field starts from north pole and goes to south pole. Starting from north pole and goes to south pole outside the magnet. But what we have studied that inside the magnet they travel in a straight line from south pole to north pole. Yeah. अब ये वाली जो लाइन है जो साउथ से नॉर्थ जा रही है इसे हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है. सिमिलरली यहां पे भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अलोंग द एक्सियल लाइन आपकी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो ट्रेवल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट. क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट. ठीक है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, पहली चीज कि दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू positive charge. The direction of dipole movement is from negative to positive charge along the axial line. ये बहुत important चीज़ है, along the axial line. Negative to positive ऐसे नहीं आता है, along the axial line आता है. ठीक है. अच्छा, dipole movement कैसी quantity है, इसमें direction है. तो अब again I am explaining you once more. देखो, I am explaining over here इस डायग्राम में क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका माइनस क्यू है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. ठीक है. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव. हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये ऐसे करके आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निकली और ये नेगेटिव में आ रही है. ठीक है. लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस लाइन के अलावा ही चलेगा. ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये वाली लाइन, ये एक्सियल लाइन के अलावा. ठीक है. ये जो है, ये हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट, दैट इज विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सियल लाइन. दैट विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सियल लाइन. ठीक है. नाउ डाइपोल मूवमेंट इट इज represented by P, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर P. ठीक है. डाइपोल मूवमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर P से. और ये तो पता ही चल गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है अलोंग द एक्सियल लाइन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड नाउ इफ वी नीड टू डिफाइन डाइपोल मूवमेंट, है ना, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो डाइपोल मूवमेंट ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. जैसे ये आपका चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ये हमारा चार्ज क्या है, माइनस क्यू, ये एक्सियल लाइन होगी. डाइपोल लेंथ यहां पे कितनी है, टू है. तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ही है, तो कोई भी चार्ज ले लो, क्यू इनटू
इसका मतलब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनटू 2L। ओके, कई जगह स्मॉल Q लिया होगा, कई जगह कैपिटल Q। तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट क्या हो गई, कूलम मीटर, है ना। तो इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। डोंट टेक इट एज सेंटीमीटर, अगर आई एम राइटिंग तो सेंटीमीटर ऐसे लिखा होता दोनों स्मॉल में, यहां C कैपिटल है, कूलम मीटर। तो इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ इज 2L और कोई भी चार्ज दोनों में से चाहे इधर वाला ले लो चाहे उधर वाला ले लो, दोनों ही क्या है, क्यू है, क्योंकि हमें साइन लेके नहीं चलना है। ओके, तो वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव along the axial line, its direction is from negative to positive along the axial line। अब हम क्या find करेंगे, electric field find करेंगे due to time। अब हम find करेंगे electric field due to time, ठीक है। We'll find electric field due to dipole। तो अब dipole की वजह से electric field जब हम find करते हैं तो दो point हैं जहां पे हम electric field find करेंगे। पहला at a distance r from the center of dipole, along axial line, केस वन कहां पे, एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन। तो कहां पे है, अब हम लाइन लेट मी शो यू फिगर भाई। ये आपने एक ले लिया, सपोज ये क्या हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा क्या हो गया प्लस क्यू हो गया, ये हमारी क्या हो गई एक्सियल लाइन, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई एक्सियल लाइन, ठीक है। ये डाइपोल लेंथ हमारी कितनी होती है 2L, ठीक है। अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया से, इसका सेंटर ये हो गया, ओके, मीटिंग पर और मार्क, इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया, ओके। तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मान लिया, ये पॉइंट क्या मान लिया, इसके सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस में एक पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लो ए, इस पॉइंट को क्या मान लो बी, ठीक। अब पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to minus Q charge की वजह से point P पे क्या electric field लगेगी, electric field at P due to minus Q। तो ये EA मान लो, तो EA ठीक है is equal to क्या हो जाएगा 1/4πε0 into चार्ज कितना है क्यू, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक, एपी स्क्वायर, क्या हो जाएगी एपी स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा ईए इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू क्यू अपॉन में एपी स्क्वायर। ओके, अब एपी स्क्वायर तो ठीक है, अब एपी क्या है, पहले तो इसकी डायरेक्शन निकालो। देखो हमें हमेशा पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर से किधर जाती है,
towards negative and from away from positive. Away from positive, negative की तरफ और positive से दूर. ठीक है, तो ये negative charge है, तो EA किधर को होगा directed? इसकी वजह से जो इस पर electric field लगेगी वो किधर को होगी? इधर को होगी, क्योंकि negative की तरफ आएगी. ठीक है, तो it will be somewhat like this. ये हमारी क्या हो गई? EA. क्या हो गई? EA की डायरेक्शन हो गई. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलोंग PB, P से B की तरफ आ गई. इसमें लिख लो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? अलोंग PB. ठीक है, अब हमें AP की वैल्यू क्या है? देखो AP इज इक्वल टू यहां तक की डिस्टेंस. देखो ये डिस्टेंस कितनी है? L, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? L, क्योंकि सेंटर से है ना, तो यहां से यहां तक L, फिर यहां से यहां तक L, तो टोटल AP क्या हो जाएगा? यहां से सेंटर तक R है, फिर सेंटर से A तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को O मान लें, सेंटर को O मान लें, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AO प्लस OP. इसका मतलब AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? L प्लस R, L प्लस R. या फिर हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू R प्लस L. ओके, तो हमारा AP क्या हो गया? R प्लस L हमारा क्या हो गया? AP हो गया. अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज EA इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R प्लस L होल स्क्वायर. ये आपकी माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि क्या आई है? अलोंग पीबी आई है, अलोंग पीबी आई है. ठीक है, पी से बी की तरफ आ रही है. कोई प्रॉब्लम आई गेस होनी नहीं चाहिए. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम कि ये आपका एक डायपोल है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी. ठीक है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल की. ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट को हमने क्या मान लिया? ओ मान लिया. ये डिस्टेंस एल हो गई और ये डिस्टेंस एल हो गई. ठीक, अब पहले हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे माइनस क्यू की वजह से, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ई ए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में एपी स्क्वायर. तो एपी स्क्वायर, अब एपी क्या है? आर प्लस एल. तो आर प्लस एल हमारा एपी हो गया. यहां पर पुट कर दिया. अब नेगेटिव की तरफ आते तो डायरेक्शन क्या हो गई? अभी इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, केवल नेगेटिव चार्ज. अलोंग पीबी, पी से बी की तरफ आ रही है. ठीक है, अच्छा. नाउ केस नंबर टू, इसी केस में सेकंड कंडीशन क्या होगी? ड्यू टू, अब सेकंड दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू. अब किसकी वजह से हम निकाल रहे हैं? प्लस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या मान लो? ई बी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में बीपी स्क्वायर. क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? बीपी स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, बीपी स्क्वायर तो चलो ठीक है. अब डायरेक्शन फिर से देख लो क्या होगी. अब पॉजिटिव से अवे जाएगी तो कैसे जाएगी? ऐसे करते जाएगी. कैसे जाएगी? ऐसे करते जाएगी. ये हो गया ई बी. ठीक है, ये मान लो पॉइंट सी मान लो. हाँ, ये पॉइंट को क्या मान लो? इधर क्या डायरेक्शन है? सी डायरेक्शन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? अलोंग पी सी, अलोंग पी सी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आपका ई बी क्या आ गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में बी पी स्क्वायर. क्या हो गया? अलोंग पी सी हो गया. ओके, अब बी सी बी पी निकाल लो. बी पी देखो, ये पूरी यहां से यहां तक आपकी आर है, और कितना क्या हो जाएगा? आर में से माइनस हो जाएगा. और ये कितना है? एल है. देखिए अगेन, यहां से यहां तक आपका आर है, P से O तक सेंटर तक,
और सेंटर में से आपका इतना क्या हो जाएगा माइनस, और ये डिस्टेंस कितनी है एल। तो बीपी इज इक्वल टू क्या, वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू ओपी माइनस ओबी, दिस मींस आर माइनस एल। ओके, तो इसका मतलब व्हाट वी विल गेट, ई बी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके आगे क्या अलोंग पीसी, अलोंग पीसी आपकी। ठीक, ये हमारी दो, अभी हमने नेट पूरे डायपोल की वजह से नहीं निकाले, ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग निकाल ली और नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन पर लग रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब सेकेंड कंडीशन, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, देखो बी पास है तो दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड बोथ द चार्ज है आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड इट इज क्लोजर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी कम। देखो ई बी है, ओके तो यहां पे देखिए क्या है, 1 by 4 by h not common, 1 by 4 by h not common, q common, q common, नीचे क्या है r plus l, यहाँ पे r minus l, तो ये denominator क्या है छोटा, मतलब total value क्या हो जाएगी बड़ी। तो अब क्या magnitude of eb is greater than magnitude of ea, ठीक है, eb का जो magnitude है वो क्या है बड़ा है with magnitude of ea। ठीक है, एंड अब सिंस बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दस ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी माइनस ई ए, ई एक्सियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैट इज हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल की वजह से होगी। ई एक्सियल क्या है आपकी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी ई एक्सियल, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया ई एक्सियल, वो क्या हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। अब हम ई बी और ईए का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईबी एंड ईए। ओके चलो, हमें ईबी और ईए की वैल्यूज तो हमें पता ही है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, साइड पे यहां पे हम लिख लेते हैं, वी नो दैट ईए इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q upon में R plus L का whole square and EA is equal EB is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon में R minus L का whole square। Okay, now we know that E axial हमारा क्या है, हमें पता है E axial क्या है। अब जो है pure mathematics है, कुछ और नहीं लगता, देखो E axial is equal to EB minus EA. This implies E axial is equal to EB की जगह क्या आ जाएगा, 1 upon में 4 pi epsilon naught into Q upon में R minus L का whole square minus 1 upon में 4 pi epsilon naught into Q upon में R plus L का whole square। अब Q और 1 by 4 by epsilon क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, इसका मतलब E axial is equal to Q upon में 4 by epsilon naught, Q और 4 by epsilon naught कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 upon में R minus L का whole square minus 1 upon में R plus L का whole square। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन आ गया, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन में r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इनको और तरीके से वी कैन राइट इट, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, दैट इज e axial इज इक्वल टू q डिवाइड बाय
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वन अपॉन में आर माइनस एल, आर माइनस एल माइनस वन अपॉन में आर प्लस एल एंड आर प्लस एल। ओके अब ऐसे मिलेंगे हम, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ई एक्स एल इज इक्वल टू, ये हमने ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखने, बस वैसे ही आर माइनस एल की होल स्क्वायर को आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, आर प्लस एल की होल स्क्वायर को आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल। ओके तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ऐसे हम तो पूरा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल एंड देन आर प्लस एल। ओके ये पूरा इधर आ जाएगा, आई एम राइटिंग इट डायरेक्ट, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये यहां तक हमारा आ गया। ई एक्स एल इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस एल इंटू आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल। ओके नाउ सी, अब देखो ये वाला जो r माइनस एल है और ये वाला r प्लस एल, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी a प्लस बी क्या हो सकता है a स्क्वायर माइनस तो what we can write, और इसको हम क्या कर सकते हैं expand कर सकते हैं, ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं EXL, EXL is equal to ऊपर a square plus b square plus 2ab, मतलब कि r square plus l square plus 2rl minus r square plus l square माइनस टू आर एल, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर एल होल डिवाइड बाय, ये ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है ये वाला टर्म अभी मैंने स्किप कर दिया, लास्ट में फिर से लगा देंगे, ये कॉमन चल रहा है साथ में, ठीक है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन चल रहा है, और अगर प्रॉब्लम होते हैं आई कैन राइट इट ओवर हियर so that आप confused ना हो, I am writing it as k, नहीं k रहने दो क्योंकि फिर तुम लोग confused हो गए, q upon में 4 pi epsilon, ठीक है ये e axial is equal, ठीक है ये हमारा यहाँ तक clear हो गया, एक बार ये फिर से देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अभी r माइनस एल r प्लस एल विल बी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगेन r माइनस एल r प्लस एल विल बी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके नाउ वी कैन राइट इट दैट E axial is equal to Q by 4 pi epsilon naught, यहाँ क्या आ जाएगा R square plus L square plus 2RL minus L multiply हो जाएगा minus R square minus L square minus minus plus 2RL whole divide by A minus, मतलब this into this क्या हो जाएगा R square minus L square का whole square। Okay अब यहां पे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है तो 2RL प्लस 2RL क्या हो जाएगा 4RL, क्या हो जाएगा 4RL, तो इसका मतलब EXL क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो L जो है R के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है तो सिंस R इज मच 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 ग्रेटर देन L, तो दस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो है एल से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर ले लेंगे, आर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, दिस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फोर आर एल अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर हो गया पूरा पूरा, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है तो आर की पावर फोर। ओके, अब फोर जो है ऊपर फोर इंटू आर इंटू एल, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, कैसे, क्या तो हमारा क्या आ जाएगा, ई एक्सएल इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू आर, टू इंटू आर कर लिया मल्टीप्लाइड बाय 2L into Q upon में 4 pi epsilon naught into R की power 4। देखो 4 को 2 into 2 लिख लिया, 2L के साथ 2L आ गया, A2 इधर रह गया और Q इधर रह गया। ठीक है, तो ये 2L into Q हमारा क्या होता है, 2L into Q dipole moment होता है, अभी हमने पढ़ा 2L into Q क्या होता है, dipole moment होता है, है ना। तो since P is equal to 2L into Q और ये R है, नीचे R की पावर 4 है, तो ये R के नीचे क्या रह जाएगा, ये कटेगा तो नीचे Q रह जाएगा, तो इसका मतलब E axial is equal to, ये पूरा तो P हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 upon में 4 pi epsilon naught into P upon में R की पावर 3। ठीक है, और E axial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2P upon में R cube। ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अराउंड द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ओके, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था, EB का बड़ा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल की ऐसे, एक्सियल की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे कर सकती। ओके, क्योंकि EB का मैग्नीट्यूड बड़ा था और EB उस तरफ है। अच्छा अब यहां पे देखो इस फिगर में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट भी ऐसे ही है और ये एक्सियल भी ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। ओके, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने ई ए पहले निकाल लिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ई बी निकाल लिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर दोनों की डायरेक्शन हमने पता ही थी, तो EB माइनस EA हो गया, क्योंकि EB का मैग्नीट्यूड क्या था, बड़ा था, तो E एक्सियल क्या हो गया, EB माइनस EA। ठीक है, तो उसमें हमने Q by 4 by epsilon naught क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, Q by 4 by epsilon naught क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, फिर अंदर मैथमेटिकली हम सॉल्व करते चले गए। ठीक है, और देन और एक टर्म पॉइंट ये आपको याद रखना है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, क्योंकि l आपका बहुत छोटा है तो ये r स्क्वायर के बराबर आप लिख सकते हैं, तो हमने r स्क्वायर लिखा है, यहां पे r स्क्वायर का होल स्क्वायर r की पावर 4 आ गया था, फिर इसको 4 को 2l into q लिख लिया, 2l into q बचा क्या 2 2r इधर लिख लिया 4, ये r जब नीचे जाएगा 4 की 4 तो अपॉन में ये आर जब नीचे जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 हो जाएगी पावर, आर क्यूब हो गया, तो ये आपका आ गया, और अलोंग द डाइपोल मूवमेंट पी यहाँ पे क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है। अच्छा जैसे फोर्स में अगर कोई मीडियम आ जाता था तो एप्सिलॉन आर लग जाता था, यहाँ भी हम एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन आर, अगर कोई आपका डाइइलेक्ट्रिक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन, क्या अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो एक्सियल लाइन के अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या होती है, 1/4πε0 × 2π/r³। आर क्या है, इतनी दूरी सेंटर से पॉइंट की दूरी, ठीक। पी क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऐसे ही है, ठीक है।